नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कलेक्टिवली कल्कि 2898 एडी इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, साथ ही में इंडियन 2 सरफिरा और बैड न्यूज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो सबसे पहले बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं कल्कि 2898 एडी इस कलेक्शन से। अपने तीसरे हफ्ते में इस मूवी ने कमाए थे 56.1 CR, तो अपने चौथे फ्राइडे को यानी कि 23वें दिन इस मूवी ने कमाए थे 2.9 CR, चौथे सैटरडे को कल 24वें दिन इस मूवी ने कमाए थे 6.1 CR, जिसमें से तेलुगु का कंट्रीब्यूशन है 1.7 CR, तमिल का 40 लाख, हिंदी का 3.6 CR। सो अभी हिंदी में ये ज्यादा कंट्रीब्यूट या ज्यादा कमाने लगी है ये मूवी। कन्नड़ का कंट्रीब्यूशन है 10 लाख और मलयालम का 30 लाख। ऐसे करके पहले 24 दिनों का इसका इंडिया का नेट कलेक्शन है अप्रोक्सीमेटली 608.45 CR, जिसमें से तेलुगु का कंट्रीब्यूशन है 274.3 CR, तमिल का 36.65 CR, हिंदी का 271.05 CR। सो शायद आज संडे को हिंदी का जो टोटल कलेक्शन है वो तेलुगु को भी ओवरटेक कर देगा। कन्नड़ का कंट्रीब्यूशन है 5.36 CR, तो मलयालम का 23.09 CR। पहले 24 दिनों का इसका इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन है 722.9 CR, नेट कलेक्शन मैंने बताया वैसे 608.45 CR। ओवरसीज में इस मूवी ने कमाया है 268 CR, तो वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हो चुका है 990.90 CR। सो ये वीक में मतलब मंडे या ट्यूजडे तक तो ये पक्का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 के पार हो जाएगा। आज अगर ये 10 CR डबल फिगर्स क्रॉस करती है, कलेक्ट करती है, तो ही 1000 क्रॉस होगा, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि फोर्थ वीकेंड है, फोर्थ संडे है। सो शायद 7 या 8 करोड़ आज कमा देगी, देखते हैं। कल ओवरऑल तेलुगु 2D लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी थी 20.71% की, जिसमें मॉर्निंग शोज का कंट्रीब्यूशन था 14.29%, आफ्टरनून का 21.60%, इवनिंग का 22.30%, तो नाइट शोज का 24.63%। तेलुगु 3D की कल ऑक्यूपेंसी थी 37.38% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 16.43%, आफ्टरनून के 51.39%, इवनिंग के 44.29%, तो नाइट शोज के 37.42%। कल हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी थी 22.41% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 11.24%, आफ्टरनून के 21.07%, इवनिंग के 23.47%, तो नाइट शोज के 33.84%। हिंदी 3D की कल ऑक्यूपेंसी थी 34.23% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 16.25%, आफ्टरनून के 32.15%, इवनिंग के 45.39%, तो नाइट शोज के 43.14%। कन्नड़ 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 18.16% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 16.18%, आफ्टरनून के 22.42%, इवनिंग के 20.40%, तो नाइट शोज के 13.64%। अब देखते हैं इंडियन 2 ने अपने पहले हफ्ते में कितनी कमाई की है। सो इंडियन 2 ने अपने पहले हफ्ते में कमाई की है 70.4 करोड़ की, जिसमें तेलुगु का कॉन्ट्रीब्यूशन है 48.7 CR, हिंदी का 5.4 CR, तो तेलुगु का 16.3 CR। अपने सेकेंड फ्राइडे को यानी कि 8वें दिन इस मूवी ने कमाए हैं 1.3 CR, और कल का सैटरडे का जो अर्ली एस्टिमेट आया है 9वें दिन का वो है 2 CR का। सो ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली पहले 9 दिनों का इसका इंडिया का नेट कलेक्शन होगा 73.70 CR। पहले 8 दिनों का यानी कि फ्राइडे तक का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन था 83.40 CR, नेट कलेक्शन 71.70 CR, ओवरसीज में इस मूवी ने कमाया है 48.60 CR, तो वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हो चुका है 132 CR। कल ओवरऑल तमिल लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी थी 18.61% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 13.69%, आफ्टरनून के 18.87%, इवनिंग के 19.41%, तो नाइट शोज के 22.46%। तेलुगु 2D की कल ऑक्यूपेंसी थी 18.51% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 14.25%, आफ्टरनून के 17.17%, इवनिंग के 19.06%, तो नाइट शोज के 23.57%। अब देखते हैं सरफिरा ने अपने पहले हफ्ते में कितनी कमाई की है। सरफिरा ने अपने पहले हफ्ते में कमाए थे 18.75 CR, सेकंड फ्राइडे को 8वें दिन 40 लाख, तो एक बड़ा ड्रॉप हमें दिखाई दिया, और कल सेकंड सैटरडे को 9वें दिन थोड़ी ग्रोथ दिखाई थी, 112.50% की ग्रोथ, और इस मूवी ने कल कमाए हैं 85 लाख। ऐसे करके पहले 9 दिनों का इंडिया का नेट कलेक्शन है 20 CR, इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन पहले 9 दिनों का है 23.70 CR, ओवरसीज में इस मूवी ने कमाया है 4.50 CR, तो वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हो चुका है 28.20 CR। कल हिंदी लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी थी 22.21% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 10.82%, आफ्टरनून के 17.26%, इवनिंग के 26.10%, तो नाइट शोज के 34.67%। अब आते हैं बैड न्यूज की तरफ। बैड न्यूज ने अपने पहले दिन कमाए थे 8.3 CR, तो कल 23.49% की ग्रोथ दिखाई दी, और इस मूवी ने कल कमाई की है 10.25 CR की। ऐसे करके पहले 2 दिनों का इसका इंडिया का नेट कलेक्शन है 18.55 CR, इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 22.30 CR, ओवरसीज में इस मूवी ने कमाया है 9 CR, तो वर्ल्ड वाइड इसका पहले 2 दिनों का कलेक्शन हो चुका है 31.30 CR,
और आज संडे को शायद और ज्यादा कमाई करेगी। कल हिंदी 2D लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी थी 26.81% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 13.39, आफ्टरनून के 26.11, इवनिंग के 30.21, तो नाइट शोज के 37.51%। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।